जैसा कि आपको पता है कि आईफोन वाटरप्रूफ होता है। ऐसे दुबई में आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर बंदा मतलब अगर पैदल या फिर बाइक से वगैरह से सफ़र करे तो काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हम लोग सोचें कि यहाँ पर अभी एक करीम की एक टैक्सी वगैरह रहती है रोड किनारे, तो वहाँ से हम टैक्सी को लेते हैं और फिर वहाँ जुमेरा बीच चलते हैं। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं एक करीम टैक्सी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज, अभी हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और ये एक आला की टैक्सी है जो कि मैंने बुक की थी, और अभी 20 मिनट के अराउंड हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। अभी काफ़ी रश है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है और हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फिर मिलते हैं आपसे बीच पर इंशाल्लाह। एक्चुअली आजकल दुबई में इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए हम सोचें कि आज हमारी हॉलीडे भी है और जिब्रान भाई की हॉलीडे है, तो सोचे निकलते हैं कहीं बीच वगैरह पर। ओके भाई, थैंक यू। ओहो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जस्ट बीच के पास है। काफ़ी अभी सनसेट होने वाला है, काफ़ी टाइम अभी है। चेंज वाला एरिया ढूंढ रहे हैं हम लोग, कहाँ कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि नेकर वगैरह लाएँ, नहाने का प्लान बनाएं पूरा हम लोग, और अच्छे से नहा वहा कर इंजॉय करके हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज का जो हॉलीडे है ना, ये आज की जो शाम है वो बीच के नाम ही है। जाओ भाई चेंज करके आओ जल्दी से। इतने ज़्यादा सैंड हैं कि पक्का जूते में तो सैंड घुस ही जाएंगे ना, और स्लीपर हम लोग लाए नहीं है। हाँ ना यार, स्लीपर लाना चाहिए था ना। चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए हैं और अभी हम लोग सोच रहे थोड़ा सा नहा वहा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी टाइप की लग रही है और पानी वगैरह ठंडा तो होगा ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा समुद्र है और इसमें टाइटैनिक घूम रहा है। देखो, अरे टाइटैनिक नहीं होगा, बड़ा सा जहाज है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग नहा रहे हैं और देख सकते हो, और सनसेट भी होने वाला है। तो ये वाला एरिया सही लग रहा है, काफ़ी कम रश है इसमें। तो यहीं पर हम लोग शूज़ वगैरह रखते हैं अपने बैग वगैरह को और थोड़ा सा नहाते हैं, कि नहाने के लिए हम लोग आए हैं ज़्यादा। वो पीछे की साइड हम लोग बूढ़ जा रहे, एक होटल दिख रहा है जो कि काफ़ी लग्जरी होटल है। आपको पता होगा शायद, आप इससे वाकिफ भी होंगे, क्योंकि ये दुनिया का वर्ल्ड्स सबसे महंगा होटल है और हम लोग उसी के जैसे पास में ही हैं, और सनसेट भी होने वाला है, शानदार लग रहा है काफ़ी। जैसा कि आपको पता है कि आईफोन वाटरप्रूफ होता है, और हम लोग सोचने के ट्राई करते हैं इस समुद्र में, समुद्र के पानी में अंदर एक वीडियो बनाते हैं, सिनेमेटिक शॉट या फिर ऐसे ही ट्रांजिशन वीडियो। और अभी अंदर चलते हैं, हम लोग नहाते हैं और कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और 30 मिनट का ये वाटरप्रूफ फैसिलिटी रहती है, तो हम कम ही मिनट में इसको करोड़ के अपना कर लेंगे। काफ़ी शानदार इससे फोटोज़ वगैरह लेने की कोशिश करेंगे और हम इंजॉय करते हैं। फोन को अंडर वाटर में और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये 1.5 लाख का फोन पानी में जा रहा है। 1, 2, 3 1, 2 भाई तुम तैरने की एक्टिंग कर रहे हो, तैर नहीं रहे हो। अभी नीचे जाओ, इस साइड पे आओ, बिल्कुल नीचे जाने का, ठीक है? ए थोड़ा ना जी, जाओ चलो जाओ। सो गाइस, अभी तो काफ़ी लेट हो गया है और रात होने वाली है अब। अभी तो हम लोग बहुत देर से नहा रहे थे और फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी चली हैं, और शॉट वगैरह तो पूछो मत, है ना। आए कभी ज़बरदस्त सिनेमेटिक शॉट प्लस ट्रांजिशन वीडियो, ऐसी सी मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो निकाले हम लोग। और आज का हॉलीडे तो बहुत इंजॉयफुल रहा, मज़ा आ गया ऐसे। फिर कल से ड्यूटी, जॉब पर जाना है, और
अब जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि पास में नहाने वाला भी सिस्टम बनाया गया यहाँ पर, और नहा वगैरह करके अपना शर्ट वगैरह चेंज करते हैं। शर्ट तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं यही शर्ट लाया था बस, और जीन्स वगैरह था उसको पहनेंगे, पैंट को शर्ट उतार के सुखा, हाँ शर्ट वगैरह उतार के सुखा होगा फिर पहन लेंगे दोबारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, अभी आउटर ही हम जाएंगे ना तो थोड़ा सा माहौल गर्म का है तो सूख जाएगा अपने। तो अभी हम लोग चलते हैं, नहाते हैं, शूज़ वगैरह पहनते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। अब देखते हैं कैसे जाते हैं, टैक्सी से या फिर बस से, डिपेंड करता है। मेट्रो कार्ड में मेट्रो कार्ड भी नहीं लिए हैं, मेट्रो कार्ड मेरे पास है लेकिन एक है ना, एक के साथ दो बंदे, एक के साथ दो बंदे घुस सकते हैं अचानक से। यहाँ पाँव वगैरह धो लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। पानी अंदर चला गया लग रहा है ऐसा। सो गाइज, आज की शाम काफ़ी इंजॉयफुल, और हमारे तुम्हें तो तैरना नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी हम बहुत इंजॉय किए बीच पर, और हम लोग नहा वगैरह चुके हैं, नहा कर अब जा रहे हैं रूम के साइड, और मेन रोड आ चुका है। हम लोग करीम वरीम की जो भी टैक्सी वगैरह है देखते हैं, अगर नहीं मिली तो हम बुक कर लेंगे। और काफ़ी लेट हो गया, रात के 7:30 हो रहे हैं अब, और हम लोग रूम पर चलते हैं। कल फिर से दोबारा जॉब, दोबारा फिर कितनी जल्दी छुट्टियाँ गुजरती है पता ही नहीं चलता है, और जब जॉब पर रहते हैं तो पता चलता है यार कितना धीरे 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 गुजर रहा है वक्त, और ऐसे देखो एकदम मतलब एक दिन कैसे गुजरते जल्दी पता ही नहीं चला। तो बस क्या बोलूँ क्या बोलूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओए बस भी आ गई, अरे यार हमारी टैक्सी यहीं पर आगे मिल गई भाई, देखते हैं क्या कितना कितना है इसका। हाँ भाई क्या है मतलब रेट वगैरह क्या रहेगा। तो हमें टैक्सी मिल गई है पास में ही, वो भाई साहब बैठते हैं अंदर। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जो हॉस्टल का एरिया है, तो उस वाले एरिया में आ चुके हैं, और थोड़ा खाना वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ से हम बिरयानी वगैरह उठा लेते हैं और रूम पर जाकर खाएँगे। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी सब बढ़िया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अच्छे ब्लॉग के लिए आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, और अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी कर सकते हैं आप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।